बिल्कुल जी, हम लोग पिछले दो तीन मैचों से ना द मिडल में बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, तो हुसैन के आने से हमारा मिडल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो उससे ये हो रहा है कि हमें जो ऊपर के बैट्समैन हैं उनको ज़रा फ्रीडम मिलता है कि अगर आपके पास मिडल में एक इंटरनेशनल जो करेंटली नेशनल टीम में खेल रहा होता है, तो आई थिंक उसके टीम में आने से हमारी टीम के बैलेंस में बहुत फ़र्क पड़ा। बस ये अपने आप में चेंज यही लाने की है, अगर कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अग्रेसिव खेल सकूँ, क्योंकि आगे मेरा ड्रीम है कि मैं T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, आगे PSL में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं अपनी तैयारी और अपने जो गेम का फोकस है ज़्यादा उसको आगे रख के कर रहा हूं। जितना मैं अपनी हार्ड हिटिंग में बेहतरी ला सकता हूं उतनी बेहतरी लाऊं। बिल्कुल, आई थिंक हम मुझे ऐसा लगता है हम बॉलिंग में थोड़ा लैप्सिस कर रहे हैं। 130 पे 6 आउट होने के बाद पिछले भी दो तीन मैचों में ऐसा हुआ है। हमने बैटिंग इतनी अच्छी की कि वो चीज़ें कवर हो गई, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिस फील्डिंग में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये जिस तरह की विक्ट्री हमने ली, आई थिंक इस मोमेंटम हमें मिलेगा आगे, और जिस तरह हम 3 लगातार मैच आ रहे थे, तो होपफुली हम अगले मैच में फील्डिंग और बॉलिंग भी बेहतर करेंगे। बस गुफ्तगु ये थी सर कि मैं जाके मैंने अटैक किया था, मैं पिछले दो मैचों में 60 पे 44 पे, तो यही था कि वो आराम से खेले और मैं थ्रू आउट अटैक करूँगा। और क्योंकि जब आप 320 का टारगेट चेस कर रहे होते हो, तो अगर आप फंस जाओ तो मुश्किल हो जाता है। तो हमारा यही था कि हम लोग पॉजिटिव खेलेंगे और अग्रेसिव खेलेंगे।